वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुमित सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। रोज शाम को 9 बजे क्वेश्चन ऑफ द डे अपलोड करते हैं हम, और जिसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो ये सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की इनकम का रेशियो है 3:4 एंड दे स्पेंड अ पार्ट ऑफ इज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट, है ना। तो वो अपना इनकम का कुछ हिस्सा खर्चा कर देते हैं, बाकी सब बचा लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 2:3। खर्चे का अनुपात हमें दिया गया है। हूज सेविंग्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम इज हायर, तो किसकी सेविंग ज्यादा है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ दैट पर्सन इनकम, यानी कि कौन ज्यादा परसेंट सेव करता है, अल्टीमेटली ये पूछा गया है। तो इस सवाल को देखो कैसे करें। इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी, तो ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 3:4 है, तो इसकी इनकम मैंने मान ली 3x और इसकी इनकम मान ली 4x। इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है दैट इज 2:3, मतलब अब दूसरे रेशियो के लिए मुझे दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, 2y एंड 3y हमने ले लिया। यस, सेविंग की अगर बात करेंगे तो सेविंग इज नथिंग बट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इसकी इनकम 3x और एक्सपेंडिचर इज 2y, ये आ गई सेविंग। और इसी तरीके से इसकी सेविंग आ जाएगी 4x माइनस 3y। मुझे बोला गया इस हूज सेविंग एज द प्रपोर्शन ऑफ द इनकम, मतलब अगर मैं ए की सेविंग की बात करूं तो दैट इज 3x माइनस 2y एज द प्रपोर्शन ऑफ हिज इनकम, तो इसकी इनकम कितनी है 3x। और अगर बी की बात करें तो बी की सेविंग कितनी है 4x माइनस 3y एज द प्रपोर्शन ऑफ हिज इनकम, इनकम इज 4x। तो ये होगा क्या कि यहां पर 3x से 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2y अपॉन 3x हो जाएगा, 1 माइनस 2y अपॉन 3x, राइट। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो दिस बिकम्स 1 माइनस 3y अपॉन 4x। अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो देखो इस तरीके से कर सकते हैं, y अपॉन x दोनों में कॉमन है, 1 माइनस दोनों में कॉमन है, सिर्फ यहां पर है 2/3 और यहां पर है, तो y अपॉन x को मैं k मान लेता हूं, तो 2/3 कितना हो गया 0.66k एंड ये हो गया 1 माइनस 3/4 का मतलब 0.75 एंड y अपॉन x इज नथिंग बट k। अब 0.66k 0.75k से 0.75k से क्या है, छोटा है, राइट। तो माइनस वाला पार्ट छोटा है, मतलब 1 माइनस समथिंग वाला पार्ट जो है बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें से कम घटाया गया, इसमें से ज्यादा घटाया गया है, तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ए के लिए सेविंग एज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम बड़ा है बी के कंपेरिजन में, राइट। ठीक है, तो जब कोई भी देखो शॉर्टकट्स या टेक्निक्स काम नहीं आती तो हमेशा याद रखिए बेसिक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बेसिक हमेशा काम आता है। तो इस सवाल को हमने बेसिक से सॉल्व किया, प्रॉपर तरीके से किया और सॉल्व हो गया आराम से, राइट। सो द आंसर इज एज सेविंग एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।